हमारे जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है गंदगी। और एक गंदगी शब्द बोलने में तो बहुत छोटा सा लगता है, किसी के घर में भी एक बच्चे का तबीयत खराब हो जाए, सारा सिस्टम जो है बिगड़ जाता है। तबीयत खराब हुआ तो उसके गार्जियन जो है काम पे नहीं जा पाएंगे, इनकम बंद हो जाएगा, बच्चा को लेके चले गए डॉक्टर के यहाँ, पैसा भी खर्च होता, मतलब पूरा जो है सिस्टम उसका बदल जाता है। स्वच्छ भारत मिशन से कैसे जुड़ी आप? जीविका में मैं काम कर रही थी और पहले से ही मेरा स्वास्थ्य क्षेत्र में रुझान था और पता चला मुझे इस तरह का एक अभियान के तहत काम हो रहा है, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं भी अपना हाथ बटाऊं। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम थे, लोगों के घर घर जाकर दस्तक देना, उनसे बात करना, गांव में बाढ़ सभा आयोजन करना, शौचालय बनवाएं और उसका इस्तेमाल करें और घर के आसपास की सफाई पे भी ध्यान दें। रिंकू जी ने लोगों के घर घर जाकर उनको शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अनेक लोगों ने उनका रास्ता रोकने की भी कोशिश की। गिरिया पंचायत में जब हम काम कर रहे थे तो वहाँ काफी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि शाम और सुबह इसी समय ऐसा होता था कि लड़की लोग और औरतें सब जाती थी बाहर शौच के लिए, तो लड़के लोग क्या करते थे, टाइम पास का एक जरिया बनाते थे, मनोरंजन का साधन। जब शौचालय निर्माण की बात करने लगे, बनना स्टार्ट हो गया, उसके बाद काफी संख्या कम गई। हमारी टीम जब जा रही थी तो एक लड़के ने कमेंट किया कि जो ये हमेशा खुले में शौच को ढकने की बात करती हो, ऐसा करो जो इसका दुपट्टा लेके आप खुले में शौच जो करता है उसको ढक दो। ताकि सोचा कि ऐसे डराएंगे बोलेंगे तो भी आएगी नहीं। मैं उसकी बात को सुनी तो मैं पीछे लौटी, उसके बाद मैं बोली अगर आपको लगता है कि मेरे दुपट्टे से आप शौच को ढक सकते हो तो मैं ये खड़ी हूँ और ये ढक लो। जब मैं इतना हिम्मत करके उसके आगे गई और बोली, वो बिल्कुल शर्मा गया और उसके अगल बगल में जो भी लड़के और बुजुर्ग खड़े थे वो सारे इतना उसको बोले, इतना बोले कि फिर वो लड़का हम लोगों को दिखा ही नहीं। तो अभी लोग आपकी बात को कितना मानते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार मिल गया है तो लोग काफी इज्जत की नज़र से देखते हैं और जैसे भी बात करते हैं समझाते हैं तो बिल्कुल मानते हैं। हम अपने पंचायत आदमपुर, मेरा जो पंचायत हुआ उसके 10 वार्ड को 2 महीने में हम खुले से शौच मुक्त किए थे, इसीलिए हमें अवार्ड दिए। जो लोग मजाक उड़ाते थे अब वो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। भारत खुले में शौच मुक्त हो, स्वच्छ हो, खुशहाल हो, रिंकू जी यही सपना देखती हैं। वे अलग अलग तरीकों से शौचालय के महत्व को समझाती हैं। खुले से शौच मुक्त हो और खुशहाल हो, क्योंकि एक खुले से शौच मुक्त और गंदगी से दूर अगर हमारा देश हुआ तो हमारा देश खुशहाल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यही सपना ही बन गया है। हम 2 पंचायत में काम किए हैं तो 2200 शौचालय बन चुके हैं और अदर पंचायत में भी हम जाके मोटिवेशन का काम करते हैं तो उसका आंकड़ा लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों अब बारी आपकी, अगर आपके आसपास भी है बदलाव की कोई कहानी तो उसे हम तक जरूर पहुंचाइए। रेडियो पिटारा, मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।